गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपने एक्सरसाइज थर्ड की प्रैक्टिस करनी है मैट्रिक्स के। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आज अपन कुछ स्पेशल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो। If a matrix A 5 1 2 3, then verify A square minus 8A plus 13I equal to 0 and find A inverse। तो इसमें दो क्वेश्चन है। ठीक है, दो प्रॉब्लम है, एक तो वेरीफाई करना है आपको और फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं वेरीफाई करने के लिए हम किसकी रिक्वायरमेंट है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम वेरीफाई करते हैं। तो LHS पार्ट ए स्क्वायर माइनस 8A प्लस 13I। ठीक है बेटा, ठीक है। अब ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए मैट्रिक्स को टू टाइम। एट फिर ए मैट्रिक्स, और एंटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, अब मैट्रिक्स को इंटू करने मैंने आपको सिखाया था कि हमने क्या आता है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का फॉर्म क्या है, रो इंटू कॉलम। ठीक है, 5 × 5 25, 1 × 2 2, तो कितना आ गया 25 प्लस 2, सेकेंड में 5 प्लस 3, 10 प्लस 6, 2 × 5 10, 3 × 2 6, 2 + 9। ओके, अब ये एट अंदर ले जाएंगे तो ऑल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा, 8 × 5 40, 8 16 और 24, ऐसे 13 से 13 0 0 13। अब हम क्या करते हैं, तीनों मैट्रिक्स को प्लस और माइनस जो है, पहले तो इसे नॉर्मल कर लो, 27 8 16 और 11, 40 8 16 24 + 13 0 0 13, कितना हो गया 27 − 40 + 13। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड 8 − 8 + 0, 16 − 16 + 0, 11 − 24 + 13। ठीक है, ये अरेंज कर दिया, कितना आ गया हमारे पास रिजल्ट, 0 0 0। ठीक, कौन सी मैट्रिक्स हो गई, 0। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया RHS। ठीक है, पहला पार्ट हमारा क्लियर कि ए स्क्वायर माइनस 8i + 13i इक्वल टू 0। अब हमें क्या है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको एलिमेंट्री मेथड्स सिखाया था, लेकिन इस जगह उस मेथड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास थोड़ा लॉन्ग टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं आपको एक और मेथड सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आप, तो मेथड्स क्या है कि जो इक्वेशन दे रखी है अपने पास, ए स्क्वायर 8A + 13I इक्वल टू, हम प्रूफ कर चुके हैं। तो पूरी इक्वेशंस को हम बोथ साइड कैसे क्या इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई पाई
ए नंबर से ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस वन, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर ठीक है 8a + 13i, इसे किससे इंटू कर रहे हैं, ए इनवर्स है ओके। जीरो से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स को जीरो से, तो जीरो ठीक है, यहाँ तो क्लियर। अब रिजल्ट देखो, अब ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर 8a inverse into a + 13a inverse i और ये जीरो ठीक है। अब देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, पहले हम इसे लिख सकते हैं a inverse into a a 8a inverse into a 13a inverse i equal to zero। अब हमने फॉर्मूले देखे थे ए इनवर्स ए इंटू आई, ए इनवर्स आई इंटू ए इनवर्स हमने लिखा, ये कितना हो जाएगा आई, आई ए एट, ये क्या हो जाएगा आई 8i + 13a inverse इक्वल टू जीरो, यहाँ तक क्लियर या आ गया ठीक है। इसे हमने फॉर्मूला दिखा था कि आई ए क्या होता है ए ठीक है, तो कितना आ गया ए माइनस 8i ठीक है +13a inverse इक्वल टू जीरो। अब इनका ट्रांसफर कर दिया, 13a inverse इक्वल टू 8i - a ठीक है। अब 8i की वैल्यू क्या, 1001, ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या अपने पास, ए मैट्रिक्स इतना 5123, तो 5123 सॉल्व किया हमने, 8 - 5 0 - 1 ठीक है 0 - 2 और 1 8 - 3, तो मैट्रिक्स क्या गई 3 - 1 - 2 और 5 ठीक है, तो ये अपने पास मैट्रिक्स आ गई। अब ये इक्वल है तो 13 कितने इक्वल, 13a inverse के हमें चाहिए a inverse, तो 13 क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो a inverse फाइंड कर देगा। जब भी आपको इक्वेशन दे रखी हो तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, तो इससे a inverse फाइंड होगी अपने पास। क्लियर इक्वेशंस, ऐसे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा हमें, सपोज इफ ए मैट्रिक्स 5 1 2 3 पहले वाली ठीक है, और हम ये वेरीफाई कर चुके हैं ए स्क्वायर माइनस 8a + 13i इक्वल टू 0 ठीक है, फाइंड द ए क्यू ठीक है। अब देखो ये तरीका तो है अपने पास कि हम 3 times into करके ए 3 फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन से देखते हैं ठीक है। अब इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर 8a + 13i इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8a - 13i। अब मुझे क्या चाहिए 3, तो मैं बोथ साइड क्या करूँगा मल्टीप्लाई किससे, तो मल्टीप्लाई बाय ए ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन का 1
ठीक है, तो ये कितना जगह ए क्यूब एट ए स्क्वायर माइनस 13 i a, ठीक है, तो ए क्यूब तो ऐसे ही रहेगा। अब एट ए स्क्वायर अपने पास, ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन से, 8a 13i, ठीक है, ये वाली वैल्यू पुट कर दी माइनस, इसमें रूल्स में बताया ए आई क्या होता है ए, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या जाएगा, ए क्यूब 64a 104i और 13a, से माइनस कर दिया 64 में 13 कितना आ गया 51a और 104i। अब हम कैलकुलेशन देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो क्या होता है, ऑर्डर टू वाली मैट्रिक्स हो तो उसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, हमें तो सिंपली हो जाती है, लेकिन जब ऑर्डर थ्री हो तो ऐसी फॉर्मेट बहुत सिंपल होते हैं। 51 मैट्रिक्स क्या है, 5 1 2 3, 104 1001, ठीक है, इंटू करा क्या आ जाएगा 251 102 153 104 00104। सॉल्व किया 151 51 102 103, ठीक है, तो ये ए क्यूब मैट्रिक्स आ गई। नोट डाउन, अब थर्ड चैप्टर्स के प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन से डाउट्स हो तो आप मुझसे डाउट क्लासेस में पूछना, ये आपके लिए 1 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, मैंने आपको प्रैक्टिस करनी है बुक के और आउट बुक्स दोनों क्वेश्चन से, है ना, ओके। आप क्लिक कर लीजिए इसमें से, मैं आप बता देता हूँ, ये क्वेश्चन नोट कीजिए आप, ओके, इनके स्क्रीनशॉट लेने हैं आपको, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बेटा। ठीक है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स अपने CBSE के पैटर्न्स पे ये क्वेश्चंस है, जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है जो अलग अलग टाइप्स के बन सकते हैं वो सब क्वेश्चन इसमें हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके।
लगभग ये 100 क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये स्केंसर शीट्स, ये असाइनमेंट है, ये अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स में इसकी वो फाइल बनेगी, उसका फर्स्ट असाइनमेंट है आपके लिए, है ना। तो अभी तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस के लिए रखना है। एक मैथ्स के अलग से नोटबुक बनानी है असाइनमेंट्स वाली, हर चैप्टर्स में एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, रिकॉर्ड फाइल्स तैयार करनी है। असाइनमेंट्स की रिकॉर्ड फाइल्स कैसे होगी वो आप देख लीजिए, ऐसा रिकॉर्ड लाना है जिसमें हम मैथ्स के असाइनमेंट करेंगे वन साइडर। ठीक है, तो ये आपको असाइनमेंट रेडी करना है। ओके, बाय।